नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे लारावेल की, और आज का हमारा टॉपिक है रिकॉर्ड्स को अपडेट करना या रिकॉर्ड्स को एडिट करना। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए मैंने स्टेप्स लिख रखे हैं, उन्हीं को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले 18 स्टेप क्या कह रहा है कि क्रिएट एडिट फाइल एडिट डॉट डेट डॉट पी एच पी फाइल और शो एडिट फॉर्म एंड कनेक्ट विद द रूट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रूट बना लेंगे, रूट वेब में बनाएंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, गेट वाला रूट एडिट, और यहाँ पर आईडी। इसके बाद इसमें मैं एक मेथड बनाऊँगा एडिट आर्टिकल कंट्रोलर में जो भी बनेगा, और इसका मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर एडिट। ये एडिट आर्टिकल मैं मेथड जा करके यहाँ पे बना लेता हूँ फंक्शन एडिट आर्टिकल। ओके, अब एक लिंक हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, यूआरएल, और यूआरएल के अंदर आर्टिकल स्लैश एडिट स्लैश डॉट आर्टिकल आईडी। तो इसको एक बार रीलोड कर लेते हैं, यहाँ पर होवर करके देखते हैं। तो ये देखिए आ रहा है, मैंने एडिट पे क्लिक करा, ये ब्लैंक आ रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक व्यू लोड कराएंगे। उस व्यू को लोड करने से पहले व्यू बना लेते हैं एड, इसको हम लोग यहाँ पर नई फाइल बना लेते हैं पी एच पी फाइल एडिट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। ये बेसिकली क्या होगा, आर्टिकल्स को एडिट करने के लिए होगा। इसको यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न व्यू, व्यू में एडिट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ हेलो। तो ये ब्लेड कनेक्ट हो गया, एडिट ब्लेड यहाँ पर, यहाँ पर आईडी देता हूँ, यहाँ पर पहला पैरामीटर ये रिसीव हो जाएगा यहाँ पर। और रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट हो गया यहाँ पे। अभी हम लोग फेच और रिकॉर्ड, फेच रिकॉर्ड ही, चलिए सही है, रिकॉर्ड फ्रॉम डेटा बेस या रिकॉर्ड फेच करेंगे इस आईडी का। इस आईडी को हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं, 8। ओके, अब हम लोग क्वेरी करते हैं। यहाँ पर क्वेरी करने के लिए क्या लिखना होगा आपको, आर्टिकल वेयर आई डी डॉलर आई डी फर्स्ट, फर्स्ट मतलब सिंगल रिकॉर्ड के लिए, सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, और इसको मैंने आर्टिकल में ले लिया। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ आर्टिकल नॉट, तो रिडायरेक्ट रिटर्न रिडायरेक्ट आर्टिकल्स विद मैसेज रिक्वेस्ट सेशन फ्लैश एरर एमएसजी रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ओके, कब काम आएगा मैं दिखाता हूँ आपको। अगर कोई यहाँ पर ऐसे करता है तो ये यहाँ पर इस पर भेज देगा, अब इसके लिए एरर मैसेज है। ये यहाँ पर जा करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एरर मैसेज के लिए, वही सक्सेस मैसेज के लिए था, अब ये एरर मैसेज के लिए मैं दूसरा नंबर दे देता हूँ। मैं यहाँ पर हो जाएगा डेंजर
फिर मैं एडिट करता हूँ या फिर मैं डायरेक्ट मैन्युअली लिख देता हूँ कुछ, तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो आई थिंक आपको समझ में ये आ गया होगा कि मैंने क्यों किया। अभी क्या करना है, ये आर्टिकल एरर व्यू में पास करनी है। व्यू में पास करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे विद कॉम्पैक्ट आर्टिकल। ओके, तो ये आर्टिकल नाम से वहाँ पर रिसीव हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, ऐड वाला पूरा कॉपी कर लेंगे और एडिट में पेस्ट कर देंगे क्योंकि यही सेम यूज़ होगा। तो ये यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है हम लोग को, ये प्रीफिल दिखाना है 8 जो रिकॉर्ड हम सेलेक्ट करके आए हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, एडिट में ये ओल्ड जहाँ जहाँ लिखा है आप लिखेंगे आर्टिकल, जो आर्टिकल स्लैश टाइटल डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर हो गया ऑथर। तो ये प्रीफिल दिखना चाहिए, तो ये प्रीफिल आ गया है। इसको ऐड को एडिट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, और ये इसको मैं बैक कर देता हूँ और यहाँ पे इसको आर्टिकल्स यहाँ पर लिख देता हूँ URL। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। बैक करूँगा तो बैक हो जाएगा, फिर मैं एडिट करता हूँ तो एडिट पे आ गया ये। इसको मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ ये, और इसके बाद क्या करना है अगला स्टेप। नाउ वी विल क्रिएट अपडेट आर्टिकल मेथड दैट विल अपडेट रिकॉर्डिंग डेटाबेस फंक्शन अपडेट आर्टिकल। इसको करने से पहले हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे अपना एक्शन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे एक्शन रहेगा एडिट और डॉट आर्टिकल आईडी, और इसी के लिए एक पोस्ट रूट एक डिफाइन कर देंगे। इसी सेम यही पर पोस्ट टाइप का रूट होगा, कंट्रोलर का नाम ये हो गया और मेथड हो जाएगा अपडेट आर्टिकल और यहाँ पर अपडेट। ओके, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम यही पूरा ऐड वाला कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आईडी, और ये हो जाएगा हमारा रिक्वेस्ट। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे, ये चेंज कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे फाइंड और यहाँ पर आईडी पास करेंगे। देखिए इसका मतलब ये होगा कि आर्टिकल मॉडल में जो हम लोग आईडी पास करेंगे, मान लो 8 आया तो यहाँ पर 8 वाला रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा, वो उस हिसाब से वो ऑब्जेक्ट बना देगा। अब उसी ऑब्जेक्ट को ही लेते हुए ये सेव मेथड क्या करेगा, अब इंसर्ट ना करके इस 8 वाले रिकॉर्ड को इन वैल्यूज़ के लिए अपडेट कर देगा, तो हमारा आर्टिकल जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं आर्टिकल अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर ये मैं भेजूँगा अगर एरर के केस में एडिट पे विद आईडी, तो ये हमारा आईडी हो जाएगा आईडी। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखिए देखिए अपडेट हो गया। ओके, और एरर चेक कर लेता हूँ, एरर सही चल रही है कि नहीं। एरर भी सही चल रहा है, तो देखिए ये एडिट वाला जो मेथड है, एडिट वाला जो फीचर है, ये भी कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब इसके बाद ये डिलीट वाला बचा है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये डिलीट किस तरह से रिकॉर्ड्स करते हैं डेटाबेस में, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।